लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। इसका ये माना जाएगा कि ये लालू प्रसाद यादव के कहने पर एक तरह की नई जागरूकता महाविकास आघाड़ी में आ गई है, मोदी सरकार को अखिल फुर्की और किसानों के आंदोलन के लाभ पर घेरा जा सके। सुधीर जी, अभी तक लालू जी अभी बोले हैं, आप गवाह है, आप न्यूज अरबा लगाते हैं, स्वय चौक पे हमारे इसमें 5-6 आंदोलन हो चुके हैं। जब तक अन्याय होता रहेगा कांग्रेस के आंदोलन बंद नहीं होंगे। इसमें लालू जी का इनका कोई संबंध नहीं है, और लालू जी ने अगर आह्वान किया तो अच्छी बात है, और NCP पार्टी अभी आई, आगे आएगी, नहीं आएगी उनका विषय है, ये हमारे वरिष्ठ निर्णय लेते हैं। अपना विषय कैसे आज का, आज के विषय की है, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हमारे सेनापति है, जो निर्णय ले लिया वो निर्णय जिला कांग्रेस कमेटी ने लेना है। श्रेष्ठ का निर्णय सबसे मिलके लिया जाता है, और वो जिला लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर वार्ड लेवल पे, फिर बूथ लेवल पे वो इम्प्लीमेंट होगा। वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो निर्णय महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले साहब ने लिया है, वो निर्णय बूथ तक इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने ये मीडिया बुलाया है। आज जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, उसमें भी लखीमपुर खीरी का हत्या कांड ही सामने रहा। किसानों के कानून को रद्द करने का एक भी सेंटेंस जिलाध्यक्ष ने कहा, आपने भी अभी तक के बयान में एक बार भी नहीं कहा, तो क्या ये माना जाए कि ये सिर्फ जो भारत बंद है या महाराष्ट्र बंद नहीं भी बंद है, ये सिर्फ लखीमपुर खीरी बॉर्डर केस को लेकर है उसके विरोध में, या किसानों के कानून को रद्द करने के संदर्भ में भी ये बात? मैंने शुरुआत में क्या बोला आपको, इन्होंने प्रश्न क्या किया था, किसानों को न्याय देने के लिए किसान क्यों बैठे उधर, 3 काले कानून रद्द करने के लिए, उनको न्याय देने के लिए। फिर ऊपर से मैंने क्या बोला आपको ऊपर, कि लखीमपुर खीरी के अंदर माजलेले BJP के गृह राज्य मंत्री का बेटा और भाजपा के नेता जो निर्दोष लखीमपुर खीरी के अंदर क्षेत्रीय भाइयों का मर्डर किया है, उसके भाजपा के निषेधार्थ हमारा ही कल मास्टर बंद है। भारत में कितना समर्थन आपको लगता है व्यापारियों, कारोबारियों और आम जनता से मिलेगा? समर्थन के 100%। सुधीर जी, पब्लिक अभी ना दुखी हो गई है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष नानाभाई पटोले, इनके आदेशानुसार महाविकास आघाड़ी की तरफ से महाराष्ट्र बंद का लिया गया निर्णय शेतकरी को न्याय देने के लिए और लखीमपुर खीरी के अंदर निर्दोष किसानों को चीर के जो हत्या की गई भाजपा के इस कृत्य का, भाजपा की सरकार का, योगी मोदी सरकार का निषेध करने के लिए कल नवी मुंबई के अंदर नवी मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी बंद करने के लिए पत्रकार भाइयों की तरफ से, पत्रकार भाइयों के माध्यम से नई मुंबई के तमाम व्यापारी को बंद में समर्थन देने के लिए विनती करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बंद रहेगा मैडम? मैडम ऐसा है, हमने एकदम बंद नहीं, देखो सुधीर जी, ऐसा है, एसेंशियल सर्विस का मतलब होता है जो जरूरत की है। हम 3 दिन पहले बोलेंगे ना तो जनता अपना सामान खरीद के ले लेगी,
और व्यापारी उस दिन सामान नहीं मंगाएगा। ऐसे बता कि जैसे लॉकडाउन था एक महीना, दो महीना, तीन महीना, तो ऐसे जब एक ही दिन बंद करना है और पीछे भी उनका ही है तो वो भी बंद होनी चाहिए। उसके लिए हम APMC को बंद करने के लिए आह्वान करेंगे।